हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। क्या हमारे सेनेटर वो लोग होने चाहिए जो पैसे देकर सेनेट में तशरीफ लाएं? क्या उसका चेयरमैन वो शख्स हो जो वोट खरीद कर उस ओहदे पर पहुंचा हो? जो सेनेटर इलेक्ट हुए हैं, हल्फिया बयान दें, चेयरमैन साहब बयान दें कि मैंने चेयरमैन बनने के लिए किसी सेनेटर को नहीं खरीदा। मुंतखब सेनेटर से हल्फिया बयान देने का मुतालिबा। ऐसा चेयरमैन सेनेट नहीं होना चाहिए जो वोट खरीद कर आए। साजिशों का जवाब पोलिंग स्टेशन में देंगे। वजीर आजम का डीजी खान में खिताब, नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर अदालती इकदाम का शिकवा। बड़ी अजीब रवायत बन गई है कि जो आदमी मुल्क के मसाइल हल करे उसको अदालतों में घसीटे, ओहदों से हटाएं, अवाम से दूर करने की कोशिश करें। सियासत के फैसले पोलिंग स्टेशन पर होते हैं, अदालतों में नहीं होते। इस रवायत को खत्म करने की जरूरत है। वजीर आजम अपने कायद से हल्फिया बयान दिलवाएं कि उसामा से पैसे नहीं लिए थे। पीपल्स पार्टी का मुतालबा, शाहिद खाकान इलेक्शन कमीशन या अदालत जाएं, उन्हें मरी से यूसी का इलेक्शन लड़ना चाहिए। सेनेटर अनवारुल हक का कड़का मशवरा। नवाज शरीफ से पहले जैसा राबता नहीं, नून लीग को घर की लौंडी बनाया गया तो शायद रिश्ता ना रहे। चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात का मकसद इदारों में नरमी पैदा करना था। इबहाम दूर नहीं हुआ, खदशा है शहबाज शरीफ को काम का मैंडेट नहीं मिलेगा। चौधरी निसार का फिर बड़ा बयान। आप लोग समझते हैं टेक ओवर के चक्कर में हूँ, चीफ जस्टिस का अदालत में सीनियर सहाफी से मुकालमा। ये सब कुछ आवाम के लिए किया जा रहा है। कराची में साफ पानी केस के दौरान रिमार्क, शाम होते ही सीबीओ का दौरा। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, आईपीटी आई रे। 29 अप्रैल को साबित होगा लाहौर पीटीआई का है या क्यों निकाला का। ऑरेंज लाइन में 50 अरब रुपए का घपला हुआ, छोटे डॉन के अडियाला जाने का वक्त आ गया। इमरान खान का जगह जगह खिताब, कप्तान को शहबाज शरीफ से हिसाब लेने की जल्दी। शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ, लंदन में जो चेकअप करवा रहे हो जल्दी से वापस आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे से अब किस इस कौम का, खास तौर पर लाहौर के लोगों का हिसाब लेना है। कप्तान की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक देवर अहमद रजा मालिका ने पीटीआई छोड़ दी। इमरान खान के अमल से आवाम के जज्बात मजरूह हुए। लीडरशिप को अपनी टीम का पता ही नहीं, नाराज खिलाड़ी की गुफ्तगु, पीरी और मुरीदी का भी जिक्र। जो मुरीदैन होते हैं वो अपनी हदूद के अंदर रह के अपने पीर का एहतराम करते हैं, लेकिन जिस वक्त कोई मुरीद अपनी हद क्रॉस कर जाए, और मैं समझता हूँ कि वो मरीज जो है वो दुनियावी तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी, उसको इस दुनिया में भी खसारा झेलना पड़ेगा और उसको इस दुनिया में भी नुकसान होगा। सूबाई इख्तियारात छीनने की साजिश नामंजूर। विफाक पर सिंध को पानी के लिए तरसाने का इल्जाम। सोमोटो पर नहीं, 10 साल से फराहमी आपके मंसूबों पर काम कर रहे हैं। सियासत को पीरी मुरीदी से अलग करना होगा, बिलावल भुट्टो का सांगड़ में खिताब। इलेक्शन से पहले हिजरत का मौसम। मानसेरा से नून लीग के एमपीए वजीउज़्ज़मान भी काफ लीग में शामिल। मुस्लिम लीग एक ही है, नून या शीन कुछ नहीं। चौधरी शुजात का तंज, निगरान सेटअप पर इत्तफाक न होने की पेशगोई। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 26 पैसे कम करने की सिफारिश नजरअंदाज।
हुकूमत ने फिर डंडी मार दी। पेट्रोल 2 रुपए साफ पैसे और डीजल 2 रुपए लीटर सस्ता। कीमतों का इतलाक 3 घंटे बाद। सुई सदन और के इलेक्ट्रिक की लड़ाई में पिस गए आवाम। कराची में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, शॉर्टफॉल 600 मेगावाट पर पहुंच गया। गैस सप्लाई बढ़ाई जाए, वजीर आला सिंध का वजीर आजम को खत। बच्चे वैसे बेचारे जो याद किया हुआ तो वो भी भूल जाते हैं। मुस्तकबिल के मेहमान बिजली की लोड शेडिंग से बेजार। कराची के इलाके जैकब लाइन में स्कूल के बच्चे हाल से बेहाल। वजीर आला ने नोटिस ले लिया। आवाम का सिंध हुकूमत पर इजहार अदम एतमाद। ऐसे मामले तो बहुत अमल दरामद नहीं, उस पर क्या अमल दरामद होगा? फॉर्मेलिटी तो पूरी करते हैं ना, दिखाने के लिए कि हम बहुत एक्टिव हैं। बिजली 2-3 घंटे चलती है। मीडिया टॉक में मेयर कराची को लग गया शॉक। बरतरफ के इलेक्ट्रिक इंजीनियर का अचानक एहतजाज। वसीम अख्तर घबरा गए। जमील की सरेआम तजलील। गार्ड ने धक्का देकर गिरा दिया। शहरी का मुतहदा लेबर विंग का साथ न देने पर निकलवाए जाने का इल्जाम। PIA की निजकारी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। चीफ जस्टिस का कई मुनाफा बख्श रूट्स बंद करने का नोटिस। मजीद भर्तियों पर पाबंदी, 1 हफ्ते में तफसीलात तलब। चेयरमैन वजारत दिफा और विफाक को नोटिस। बच्चों का मुस्तकबिल अहम, सड़कों पर नहीं पढ़ने देंगे। क्लिफ्टन फुटपाथ स्कूल केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क। 1 हफ्ते में सेक्रेटरी एजुकेशन सिंध को मसला हल करने का हुक्म। महकमे सेहत सिंध में मसाइल हैं। सेक्रेटरी साहब, आप किसी और इदारे में क्यों नहीं चले जाते? लाड़काना अस्पताल की वीडियो देखकर शर्म आई। मिट्टी थरपारकर में बच्चों की हलाकत केस की समाप्त के दौरान चीफ जस्टिस बरहम। तीसरी शादी के जुनून में खून। गुजरात में लर्जा खेज वारदात। ब्याह की मुखालफत पर मुलजिम ने बेटी, 2 भतीजों, भतीजी और भावच को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आबिदा के कातिल अब तक आजाद। तलबा का एहतजाज, पुलिस ने साथ ही तालब इल्मों को शामिल तफ्तीश कर लिया। इंग्लिश डिपार्टमेंट की 2 तालिबात से पूछकर। दहशतगर्दों से निमटने के लिए मुल्तान पुलिस के मजीद 934 जवान तैयार। ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड। अम दुश्मनों से निमटने का अमली मुजाहिरा। घर घर से लाशें उठने पर कोहराम। इसराइली फायरिंग से शहीद 17 फलस्तीनियों की तदफीन। मुल्क भर में सोग। सलामती काउंसिल का इजलास सिर्फ मजम्मत तक महदूद। शोहराए आफाक साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की लंदन में आखिरी रसूमात। ताबूत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट मैरी चर्च पहुंचा दिया गया। वेस्ट इंडीज T20 मैच की तमाम टिकट फरोख्त। बच्चे, बड़े, खवातीन सब बेकरार। मतदाताओं को शाम 7 बजे तक नेशनल स्टेडियम में दाखिले की इजाजत। मैदान में नारेबाजी पर पाबंदी।
क्रिकेट मैचेस के दौरान कारसाज लियाकत आबाद और राशिद मिन्हास रोड से नेशनल स्टेडियम जाने वाले सड़क बंद होगी। नीपा से मजार कायद तक यूनिवर्सिटी रोड और न्यू एम ए जिना रोड की बंदिश का भी फैसला, सात पार्किंग एरिया कायम। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टी20 सीरीज के लिए पार्किंग कहां होगी और कौन सी सड़कें बंद की जाएंगी, ये जानने के लिए देखिए फैसल शकील की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सीरीज की तैयारियां उरूज पर, ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक मैचेस के रोज शाहराह फैसल और कारसाज से नेशनल स्टेडियम जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद होगी और गाड़ियों को डिग रोड और वहां से राशिद मिन्हास रोड की जानिब भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तरतीब दिए गए प्लान के मुताबिक राशिद मिन्हास रोड से बारास्ता डालमिया रोड स्टेडियम जाने वाली सड़क भी बंद रखी जाएगी और नीपा से मजार कायद तक यूनिवर्सिटी रोड और न्यू एम ए जिना रोड भी बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि लियाकताबाद 10 नंबर से नेशनल स्टेडियम जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद होगी और वहां से आने वाली ट्रैफिक को करीमाबाद और आयशा मंजिल की तरफ मोड़ा जाएगा। डीआईजी ट्रैफिक इमरान याकूब मेनास कहते हैं सड़कें बंद करने के औकात में तब्दीली का मकसद आवाम को सहूलत फराहम करना है। हम अब ब्लॉकेट 2 बजे करेंगे, 3 घंटे लेट तो हमने वैसे ही कर दिया। फिर ये जो इवनिंग का प्रेशर, मॉर्निंग का प्रेशर ऑफिस आवर्स का निकल चुका हुआ होगा, तो शाम को इवनिंग का प्रेशर आ रहा होगा, उसको हम रेगुलेट करेंगे और मौके के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम फैसले करते रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मैच देखने के लिए आने वालों के लिए 7 मुकामात पर पार्किंग रखी गई है, जिनमें गुलशन इकबाल हकीम सईद ग्राउंड, उर्दू यूनिवर्सिटी ग्राउंड, संडे बाजार ग्राउंड, डालमिया रोड पर वाक है गरीब नवाज फुटबॉल ग्राउंड, कश्मीर रोड पर केएमसी ग्राउंड, केडीए क्लब और चाइना ग्राउंड में पार्किंग रखी गई है, जहां शायकीन के बैठने के इंतजाम के साथ साथ वॉक थ्रू गेट्स भी लगाए गए हैं। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ फैसल शकील, दुनिया न्यूज कराची। यहाँ तो सब अच्छा है लेकिन सियासत में क्या कुछ चल रहा है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने सेनेट के मुंतखब अरकान से खरीदो फरोख्त में मुलविस न होने के हल्फिया बयान का मुतालबा कर दिया। डेरा गाजी खान में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये मुतालबा किया। जी हाँ, हुक्मरानों में सियासी मैच पड़ गया है। ऐसे में उनका कहना है कि ऐसा चेयरमैन सेनेट नहीं होना चाहिए जो वोट खरीद कर आए, सियासी फैसले आवाम को करने दिए जाएं, सियासी फैसले अदालतों में नहीं होने चाहिए। बड़ी अजीब रवायत बन गई है कि जो आदमी मुल्क के मसाइल हल करे उसको अदालतों में घसीटे, कोर्टों से हटाएं, अवाम से दूर करने की कोशिश करें। सियासत के फैसले पोलिंग स्टेशन पर होते हैं, अदालतों में नहीं होते। इस रवायत को खत्म करने की जरूरत है और इसका जवाब आपने जुलाई के इलेक्शन में देना है। सियासत के फैसले वोटर को करने दें, अवाम का फैसला कभी गलत नहीं होता। अदालतों के फैसलों पर अपील भी होती है, बहुत से फैसलों को तारीख कबूल नहीं करती, बहुत से फैसले मुतनाजा बन जाते हैं, लेकिन अवाम का फैसला हमेशा सर आंखों पर होता है। क्या हमारे सेनेटर वो लोग होने चाहिए जो पैसे देकर सेनेट में तशरीफ लाए? क्या उसका चेयरमैन वो शख्स हो जो वोट खरीद कर उस ओहदे पर पहुंचा हो? ये वो बुराई है जिसको हमें दूर करना है। जिस ऐवान की बुनियाद करप्शन पर हो, क्या वो ऐवान पाकिस्तान के मुफाद के लिए काम कर सकता है? आज जो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करें, एक और करें और हल्फिया बयान दें अवाम के सामने। हमने सेनेटर बनाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया। उसमें बड़े लोगों ने कहा कि वज़ीर आज़म को सेनेट के मामलात में दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मैं आखिरी दम तक दखल अंदाज होता रहूंगा। जो सेनेटर इलेक्ट हुए हैं, हल्फिया बयान दें, चेयरमैन साहब बयान दें कि मैंने चेयरमैन बनने के लिए किसी सेनेटर को नहीं खरीदा। अगर किसी ने पैसे दिए तो खुलकर बात करें, हाँ जी मैं पैसे देकर सेनेटर बना हूँ, मैं पैसे देकर सेनेट का चेयरमैन बना हूँ। क्या आपको वो लोग चाहिए जो सेनेट के एक चेयरमैन की कुर्सी के लिए
اپنے تمام اصول داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے، ضمیر داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے۔ کیا پاکستان کے عوام ان کو قبول کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے جولائی میں، ہمیں یہ برائی کی سیاست، یہ منافقت کی سیاست نہیں چاہیے۔ اور اب سینیٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں، جسے لے کر پیسہ چلنے کی بحث ہو رہی ہے۔ قمر زمان قائرہ نے نواز شریف پر انگلی اٹھا دی، کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی پہلے اپنے لیڈر کے ماضی کے بارے میں وضاحت دیں۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو وضاحت دینے کے پابند نہیں۔ سینٹ الیکشن میں پیسہ کیوں چلایا؟ وزیر اعظم کے مخالفین پر وار، اپوزیشن کے جوابی وار۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے دیا ترکی بترکی جواب، الٹا نواز شریف کے ماضی پر اٹھا دیا سوال۔ بولے، کیا شاہد حاکان عباسی اپنے لیڈر کے بارے میں حلفی بیان دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اسامہ سے پیسے نہیں لیے، حکومتیں الٹانے کی کوشش نہیں کی؟ شاہد حاکان عباسی صاحب، آپ یہ بتائیے، آپ اپنے لیڈر کے بارے میں حلفی بیان دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے پیسے نہیں لیے، انہوں نے آئی ایس آئی سے پیسے لے کے الیکشن نہیں لڑے، انہوں نے باقی غیر ملکی دولت کے ذریعے آ کے پاکستان کے اندر حکومتیں الٹنے کی کوششیں نہیں کی؟ اس ملک کے اندر لفافہ جرنلزم اور لفافہ پالیٹکس کا آغاز کرنے والے ہیں ہی میاں نواز شریف، ہے ہی مسلم لیگ، اور باقیوں سے وہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ بلوچستان سے نئے منتخب سینیٹر انوار الحق کاکڑ کو بھی آیا جلال، کہا شاہد حاکان عباسی کو وضاحت دینے کے پابند نہیں، وزیر اعظم چیئرمین سینٹ سے متعلق گفتگو نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ میں ذاتی طور پہ وزیر اعظم کو اس چیز کا اہل نہیں سمجھتا کہ ہم ان کو وضاحت دیتے رہے، اگر وہ اتنا جینوئن ہے تو یہاں ادارے موجود ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس میں جا کے کمپلین کریں یا اعلیٰ عدلیہ کے پاس چلے جائیں، آئندہ اگر وہ اس طرح کی گفتگو سے اجتناب کریں تو بہتر ہوگا۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن میں پیسوں کے لین دین کا کوئی ثبوت نہیں، اگر چندے کرکان نے ایسا کیا بھی تو اس کی سزا پوری سینٹ کو نہیں دینی چاہیے۔ دوسری جانب بلاول نے بھی آج تنقیدی تیروں کی برسات کر دی، صوبائی اختیارات چھیننے کی سازش نامنظور قرار دی۔ بلاول بھٹو نے وفاق پر سندھ کو پانی کے لیے ترسانے کا الزام بھی لگا دیا، کہا کسی سو موٹو نوٹس کی وجہ سے نہیں، 10 سال سے فراہمی آپ کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری سانگھڑ میں عوامی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ اٹھارہویں ترمیم کے تحت جو اختیارات صوبوں کو منتقل کیے تھے انہیں واپس لینے کی بھی سازش کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم پر کوئی حملہ برداشت نہیں کرے گا۔ پانی انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، ہم آج سے نہیں، کسی سو موٹو نوٹس کی وجہ سے نہیں، بلکہ پچھلے 10 سال سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ وفاق اور عرصہ سندھ کو اپنے پانی کے حق کے لیے ترسا رہا ہے، نون لیگ ہو یا فنکشنلی ان سب کا سوٹ اینٹی عوام ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ عمران اور زرداری کا ہاتھ ملانا نیک شگون، نواز شریف سے پہلے جیسا رابطہ نہ ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے چودھری نثار کی جانب سے۔ نون لیگ کو گھر کی لونڈی بنایا گیا تو شاید رشتہ نہ رہے، ایسا کہنا تھا سابق وزیر داخلہ کا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات کا مقصد اداروں میں نرمی پیدا کرنا تھا، ابہام دور نہیں ہوئے، خدشہ ہے شہباز شریف کو کام کرنے کا مینڈیٹ نہیں دیا جائے گا۔ تو ایک بار پھر چودھری نثار نے بڑا بیان داغ دیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان اور آصف زرداری کا ہاتھ ملانا نیک شگون ہے۔ اور اس بڑے بیان کے بعد اب بڑی وکٹ کی بات کرتے ہیں۔ پاک پتن میں پی ٹی آئی کی ایک بڑی وکٹ گر گئی ہے، کپتان کی اہلیہ بشرا کے سابق دیور احمد رضا مانیکا نے پارٹی چھوڑ دی ہے۔ احمد رضا مانیکا کہتے ہیں کہ پیر مرید کے درمیان احترام کا رشتہ رہنا چاہیے، عمران خان کے عمل سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے، انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ کو اپنی ٹیم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہوتے ہیں وہ اپنی حدود کے اندر رہ کے اپنے پیر کا احترام کرتے ہیں،
لیکن جس وقت کوئی مرید اپنی حد کراس کر جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مرید جو ہے وہ دنیاوی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی اس کو اس دنیا میں بھی خسارہ جھیلنا پڑے گا اور اس کو اس دنیا میں بھی نقصان. اور عمران خان لاہور میں بڑے ڈان کو نکال دیا, اب چھوٹے کی باری ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ شہباز شریف اب تمہاری چوری دنیا کو بتاؤں گا. یہ بڑے منصوبے لمبا مال کمانے کے لیے بناتے ہیں. عمران خان نے اور کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. سب سے بڑا ڈاکو رائے ونڈ میں, چھوٹا ڈاکو, چھوٹا ڈان, بڑی بڑی ٹوپیاں پہن کے پھرتا ہے. بارش ہوتی ہے, پانی کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بوٹ پہن لیتا ہے. دھوپ ہوتی ہے تو ٹوپی پہن لیتا ہے. اور جتنا بڑا مداری شوبازی یہ چھوٹا ڈان ہے. بڑے ڈاکو کو تو میں نے کیوں نکالا کر دیا. اب شہباز شریف دو ہفتے سے لندن بیٹھا ہے, چیک اپ کروانے گیا ہے. اور شہباز شریف شرم کرو, ایک ہسپتال نہیں بنایا پاکستان میں اپنا چیک اپ کروانے کے لیے. فکر نہ کرو شہباز شریف, اب تمہاری باری ہے. انشاءاللہ اب میں دنیا کو بتاؤں گا کہ تم اور تمہارے بیٹوں نے کتنی چوری کی ہے عوام کے پیسے کی. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے دنیا نیوز کے ساتھ.